सो हाई व्हाट्सअप गाइज, दोस्तों अभी मैं राजा के महल के अंदर हूँ चित्तौड़गढ़ के में, जो कि कुछ इस टाइप से हमें यहाँ का व्यू देखने को मिलता है। काफ़ी तेज धूप है और अभी फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट टूर बताने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ के किले का। तो आप हमारा ये व्लॉग को कम्प्लीटली ज़रूर देखें एंड आई होप अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए, अच्छा लगे, तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरा किले का नक्शा है, मार्केट वाला रास्ता है, मीराबाई को महल, मौलाना कुंभा महल, सब कुछ ऑल ऑफ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके हिस्ट्री को एक बार रीड कर सकते हैं इनके बारे में। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहें, वीडियो को पॉज करिए, पढ़ सकते हैं। यह है राजा का महल, जो कि कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बादल महल कुंभलगढ़ देख सकते हैं, फतेह प्रकाश महल, अभी हम फतेह प्रकाश महल के अंदर हैं, जिसे सिटी पैलेस के अंदर अगर आप जाना चाहें वो देख सकते हैं। फतेह प्रकाश महल, सिटी पैलेस, बादल महल, जो भी हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये है प्रथम स्थल, जो कि कुछ इस टाइप से है यहाँ पर है। ये है फतेह प्रकाश संग्रहालय। अभी हम अंदर आ चुके हैं और अंदर का जो सीन है वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। सो हाई व्हाट्सअप गाइज, दोस्तों अभी मैं राजा के महल के अंदर हूँ चित्तौड़गढ़ के में, जो कि कुछ इस टाइप से हमें यहाँ का व्यू देखने को मिलता है। काफ़ी तेज़ धूप है और अभी फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट टूर बताने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ के किले का। तो आप हमारा ये व्लॉग को कम्प्लीटली ज़रूर देखें एंड आई होप अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए, अच्छा लगे, तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ पानी पीने की सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी, अगर आपको पानी पीना है। पहले मैं पी लेता हूँ। सो गाइस, अभी हम यहाँ से किले के अंदर जैसे एंटर हुए हैं तो राजा के महल में सभी प्रकार के अस्त्र एवं शस्त्र दिखेंगे। अस्त्र शस्त्रों में केवल आपको शस्त्र दिखेंगे, अस्त्रों का उच्चारण करने के लिए आपको मंत्रों का यूज में लेना पड़ता था और इसलिए अस्त्र फिलहाल किसी भी तरह के आपको देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ शस्त्र ही मिलेंगे, जिसमें कुलाड़ी, बाला, बंदूकें, राइफल्स आपको देखने को मिलने वाली, रिवॉल्वर्स, वो सभी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह का नाम लेने में अगर गलती कर देते हैं तो वीडियोस आप देखें और पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको धनुष और सभी प्रकार के देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कैसे होती है वो आप सभी जानते हैं, इंटरनेट पर आपने देखा भी होगा। वैसे तो कुल्हाड़ी कुछ इस टाइप की है, या अलग अलग स्टाइल में बनी हुई कुल्हाड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। इन कुल्हाड़ी को आप देख सकते हैं। कुल्हाड़ी के साथ ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपको भाला देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। ये है भाला जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। भाला के साथ ही यहाँ पर कुल्हाड़ी, भाला और यहां अलग अलग प्रकार के अस्त्र मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां कवच पेन के कुछ इस टाइप से यूज में लिए जाते थे, जो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये भाला आप देखें,
काफी हैवी साइज में भाला आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कुल्हाड़ी की अलग अलग तरह की कुल्हाड़ी आपको देखने को मिलती है। इनका नाम अलग अलग प्रकार से है, नाम अगर आप इनका पढ़ना चाहें वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप नाम पढ़ सकते हैं। इसका जो नाम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जगनोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये इस चीज का नाम है। फरसू, जो कि परशुराम का फरसा जैसा फरसू है, वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि उस समय राजा युद्ध के समय यूज में लिया करते थे। फिलहाल ये सभी केवल दिखावे के लिए भी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय जो जो प्रोडक्ट यहाँ पर यूज में लिए जाते थे, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज में लिए जाते थे, वो सारे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेड़िया आपको देखने को मिलेगा, गेड़िया का नाम आसा गेड़िया, ये कुछ इस टाइप के हथियार हुआ करते थे जो उस समय यूज में लिए जाते थे। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के यहाँ पर हथियार देखने को मिलते हैं, इसको आपको गुर्ज कहा जाता है। ये गुर्ज किस टाइप की होती है जो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको तलवार यूज में लेने वाली है। तलवार कैसी रहती है वो तलवार मैं आपको दिखाता हूँ। तलवारें आप देख सकती है, अलग अलग तरह की तलवारें आपको देखने को मिलने वाली है, जिन तलवारों का यूज उस समय राजा महाराजा युद्ध में किया करते थे। तो देखिए आप, काफी शानदार तलवारें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ ही हम आपको आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर यूज में ली जाने वाली उस समय की बंदूकें। बंदूक अलग अलग प्रकार की होती है, तो वो सभी बंदूकें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं। यहां से आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं, तो इस वाले पोर्शन के अंदर सारी बंदूकें आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको यहाँ पर अग्निशामक बंदूकें भी देखने को मिलेगी, तोहफे भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर बंदूक जो आपको देखने को मिलती है, काफी हैवी साइज की बंदूक आपको देखने को मिलती थी। ऐसा लगता है कि इन्हीं बंदूकों को दूसरे के कंधे पर रख के चलाया जाता था। वो कहते ना, मैं बंदूक दूसरे के कंधे पर रख के नहीं चलाता, तो वैसे ही ऐसी बंदूकें उस समय तो जाने उनकी हाइटें काफी हैवी हुआ करती थी, इसलिए वो यूज में ले लेते थे। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर इन बंदूकों का यूज किया जाए तो दूसरों के कंधों पर रखकर ही इस बंदूक को चलाया जा सकता है। देख सकते हैं ये राइफल है यार, राइफल। यहाँ पर कुछ इस टाइप की बंदूकें आपको देखने को मिलती है। और इस इधर आपको ये चक्र में यहाँ पर देखिए तलवार देखने को मिलती है स्पेशलाइज्ड। ये अग्निशामक अस्त्र है जिसमें अग्नि निकला करती थी। उस समय अगर यूज में लेते थे तो अग्नि काफी हैवी यहाँ पर प्रज्वलित होती थी, फायर आर्म्स बोलते हैं इनको। देख सकते हैं काफी शानदार यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों इसमें आपको एक से बढ़के एक इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राइफल्स देखने को मिलती है, रिवॉल्वर्स देखने को मिलती है, या पिस्टल्स उस समय सही यूज में नहीं ली जाती थी इसलिए पिस्टल आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन रिवॉल्वर्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये उस समय का जो गन पाउडर वाला प्रोडक्ट यूज में लिया जाते थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि गन में पाउडर भर के गन को चलाया जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं ये बंदूकें कुछ इस टाइप के रिवॉल्वर्स आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। पिस्टल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, पिस्टल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस समय पिस्टल शायद चला भी नहीं करती होगी। ये अग्निशामक फायर आर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, अग्निशामक यंत्र जो कि अग्नि उत्पन्न करते थे चलाते समय। और ये तलवारें आपको देखने को मिलती है। यहाँ से फिर हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे के व्यू एंड नज़ारे में आपको किले की किस टाइप की घेरेबंदी हुआ करती थी, किले का किस टाइप से यूज में लिया जाता था, वो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ढाल आपको देखने को मिलने वाली है, ढाल कुछ इस टाइप से यूज में लिया जाती थी। और यहाँ पर इस टाइप के ये कुल्हाड़ी टाइप की चीज़ आपको देखने को मिलती है, जिसका अलग अलग नाम यहाँ पर यूज में लिया जाता है, जिसे जोगनोल कहा जाता है। जागनोल जो आपको देखने को मिलती है, उस समय जो आर्म्स यहाँ पर यूज में लिए जाते थे, जिसे आज के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वैसी टाइप की जैकेट्स आपको उस समय युद्ध में, जब राजा युद्ध करने जाते थे, सेना युद्ध करने जाती थी, उस समय इन आर्म्स को यूज में लिया जाता था, यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर उस समय जितने भी कपड़ों को यूज में लिया जाता था, राजा पहनते थे, वो आपको देखने को मिलते हैं युद्ध के समय में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से पहनकर युद्ध किया करते थे, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके साइड में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट एक और व्यू दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ इस टाइप से इन चीज़ों को पहनकर राजा उस समय युद्ध किया करते थे। और इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ से, आप ये देखिए पूरा कवर्ड ऐसा हुआ करता था राजा का। और उसके साथ ही यहाँ पर इनकी केप कुछ इस टाइप की हुआ करती थी, जो आप देख सकते हैं केप को, और ये केप सिर में युद्ध के समय यूज में लिया जाती थी।
जिसे शिरोअस्त्र कहा जाता है, यानी सिर पर यूज में लेने वाला अस्त्र जिसे शिरोअस्त्र कहा जाता है। और यहाँ पर ये इनके कवर्ड आपने देख लिए हैं। अब यहाँ से जैसे ही हम बैक निकलते हैं तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर एक कला मूर्तिकला आपको देखने को मिलती थी जो उस समय की रहा होगी। और इसके साथ ही किले के अंदर हम जैसे एंट्री लेते हैं तो किले के यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का द्वार आपको देखने को मिलता है जहाँ से किले के अंदर एंट्री लिया करते थे। ये किले का कुछ व्यू यहाँ पर साइड मैप यहाँ पर बना रखा है। इसके साथ ही किले के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पर किले का जो व्यू है उस समय का, किस तरह से मुगलों की तैयारियाँ रही है, मुगलों ने जब इस पर आक्रमण किया था चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मनी वो काफ़ी सुंदर थी, उसके लिए मुगलों ने यहाँ पर चढ़ाई करी है। और चढ़ाई करने के कारण इस जगह पर किस तरह से किले की रक्षा की गई, किस तरीके से घेराबंदी की गई थी, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे तो इस किले के रिलेटेड काफ़ी मूवीज़ भी आपने देखी होगी, मूवीज़ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंटरनेट को पढ़ सकते हैं। एक चित्तौड़ की जो घेराबंदी की गई थी वहाँ उस समय, वो इस टाइप से की गई थी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय युद्ध हुआ था। और उस समय यहाँ पर जोहर का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि जोहर स्थल में आपको यहाँ पर सीन जोहर स्थल के भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए चित्तौड़ की घेराबंदी है जोहर स्थल में, जब रानी पद्मनी ने यहाँ अपने शत्रुओं के साथ में किस तरह से जोहर किया था, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है दोस्तों, ये अभेद्य किला है, इस किले को भेदा नहीं जा सकता। इसीलिए उसने छल से राजा रतन सिंह को नीचे बुलाया और फिर युद्ध करके वहाँ पर किले में कुछ उस टाइप से उस पर कब्जा करने का काम किया गया। तो ये एक अभेद्य किला है। वैसे तो राजस्थान के काफ़ी ऐसे किले हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें ये देखिए जैसलमेर का किला, जो कि हम जैसलमेर का किले के रिलेटेड व्लॉग्स आप हमारा देख लिए होंगे, आमेर का किला के ऊपर हमने व्लॉग बना रखा है, आपने नहीं देखा चैनल पर जाकर देखिए। इसके बाद में गागरौन का किला जो कि हमारे जस्ट पास में ही है, इन फ्यूचर में जाकर ये भी व्लॉग आपको मिल जाएगा, झालावाड़ में स्थित है। और यहाँ से रणथंभौर के किले के ऊपर हमने व्लॉग बना रखा है शायद, लेकिन अपलोडेड नहीं है, इन फ्यूचर में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा एक कुंभलगढ़ का किले का ब्लॉग इन फ्यूचर में आएगा हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चित्तौड़गढ़ के किले का ब्लॉग आज आप देख रहे हो। इस किले के अंदर मैंने कंप्लीट टूर करा है, जिसमें यहाँ के जो अस्त्र शस्त्र सामान है वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। उस समय युद्ध में कौन कौन से अस्त्र शस्त्र पहने जाते थे, कौन से भालों का यूज किया जाता था, कौन सी बंदूकों का यूज किया जाता था, क्या प्रोडक्ट वो युद्ध करते समय यूज में लिया करते थे, सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। आई होप अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल यहां पर एक और किला है, वो और दिखाना है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का किले खत्म हो जाएंगे, फिर इन फ्यूचर में गागरौन का किला मैं आपको ले चलने वाला हूं, तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो, आई होप अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।